प्रदेश में पहले चरण में होने वाले मथुरा में चुनाव के लिए जनपद में 12 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। मथुरा विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा ने कहा कि 2014 के बाद से यहां के विकास कार्यों को गति मिली है। उन्होंने कहा कि 2017 में अखिलेश यादव को जनता ने नकारा था। उन्होंने कहा कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में यहां पर जवाहर बाग जैसी घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि जनता अभी उन हालातों को भूली नहीं है। और पहले चरण के चुनाव से यहाँ ब्रज की जो रज है वो विजय के रूप में लखनऊ पहुंचते पहुंचते वो आंधी का रूप लेगी और गाजीपुर पहुंचते पहुंचते अंतिम चरण में वो सुनामी में तब्दील होगी। जो सपा बसपा कांग्रेस के द्वारा जो पूरे उत्तर प्रदेश में नकारात्मकता फैलाई जा रही है उसको वह जो ब्रज की रज है वह समाप्त करेगी और एक बार फिर प्रचंड बहुमत से डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत फर्क साफ है। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश फर्क साफ है। 2017 से पहले का हमारा मथुरा वृंदावन और 2017 के बाद का हमारा मथुरा वृंदावन फर्क साफ है। पहले जवाहर बाग पर कब्जा कराया जाता था, 200 एकड़ में हमारा बाग है, उस पर माफिया ने कब्जा किया, सपा कांग्रेस ने उसको समर्थन किया, आगजनी हुई, हमारे मुकुल द्विवेदी शहीद हुए, संतोष यादव शहीद हुए। आज जवाहर बाग में मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप जाइए, हमने अपने शहीदों के नाम से वहाँ वाटिका भी बनाई है।